ये पूरी पूरी बंद गोभी के ये जो फूल हैं उनको यहाँ पे बांधा जाएगा और इसी तरीके से इसको मंडी में भेज दिया जाएगा जी। यहाँ पे मूलियाँ भी लगी हुई हैं, ये देखें ज़रा, ये आपको नज़र आ रही होगी। कब है जी चुकंदर, ये ज़रा चेक करें, ये वो खग्गा काटा जा रहा है जिससे कि पालक को बांधा जाएगा। बस अब बारी आती है इसकी बनाई की, इसको जैसे बांधते हैं ये लोग। ये इन्होंने लगाया इसके ऊपर एक सेबा सा, इसको घुमाया और ये पैक हो गया जी, ये गठा हो गया तैयार। सारी लगी हुई जी फूल गोभी, ये पूरे का पूरा जो खेत है ये फूल गोभी का खेत है। दूर दूर तक आपको फूल गोभी ही नज़र आ रही होगी। वो आगे चुकंदर हैं उधर भी, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। ये देखें ये अभी फूल बन रहा है, अभी ये छोटा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होता जाएगा क्योंकि आजकल सीज़न है फूल गोभी का। अभी छोटे 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 आपको नज़र आ रहे होंगे। हम खेतों के अंदर से गुजरते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा सारा। बड़ी खूबसूरत सी जगह है जी, पुरसकून सी जगह है, कोई खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। ये दीवार चल रही है जी मेरे साथ साथ, पीछे आपको नज़र आ रही होगी, ये चार दीवारी की हुई है इन्होंने। और ये दूर, ये किस चीज़ की चार दीवारी है जी? वासा, अच्छा वासा वाले ने की थी, वासा दी, वासा ने खरीदी थी 92 देश। ये पीछे इसकी जो जो आपको चार दीवारी नज़र आ रही है सारी वासा की जगह है जी। साथ हमारे चल रहे हैं जी बंद गोभी के खेत, यहाँ पे भी कल्टीवेशन की जाएगी, यहाँ पे भी कोई चीज़ लगेगी, आलू लगेंगे, धनिया लगाया जा रहा है जी इस जगह के ऊपर। क्या खूबसूरत कटाई की हुई है जी, ऐसे है जैसे फुट्टा रख के कटाई की गई हो। किसान जो उनसे हैं खेतों के अंदर वो कटाई कर रहे हैं मेरे ख्याल में, या तो बंद गोभी काट रहे हैं या वो अभी चुकंदर की वो उसको काट रहे हैं या वो फूल गोभी को काट रहे हैं। अभी मैं उनको आपके पास, आपको उनके पास लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये लगी हुई है फूल गोभी, अब बड़ी हो गई, अब ये बड़ी होना शुरू हो चुकी है। तो चले आए आगे चलता हूँ, आपको मैं बंद गोभी दिखाता हूँ। ये ज़रा देखें आप, ये ज़रा चेक करें इसका फूल कितना बड़ा हो चुका हुआ है। वो पीछे मेरे आपको किसान नज़र आ रहे होंगे, अब उनके पास जाते हैं, हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ काट रहे हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे जी किसान जो उनसे हैं सफाई कर रहे हैं, या आई थिंक के गोभी को काट रहे हैं, जाके देखते हैं यहाँ पे। चाचा की हाल है, खरीए थे चाचा, की करन दे? पालक केला, मालक पालक किथे वे? पालक ही है। अच्छा पालक काट रहे हैं जी। ले जी यहाँ पे चाचा जान पालक काट रहे हैं, फ्रेश पालक, फ्रेश पालक है जी बिल्कुल। और ये लगी हुई है फूल गोभी के खेतों के अंदर, देखिए कितनी सारी पालक बाबा जी ने काटी है, ये पालक का ढेर लगाया हुआ है। मूलियाँ भी लगी हुई हैं, ये देखें ज़रा, ये आपको नज़र आ रही होगी। वो खग्गा काटा जा रहा है जिससे कि पालक को बांधा जाएगा, ये देखें ज़रा, जिससे पालक को बांधा जाएगा। ये तेरा बना हुआ अंदर, यहाँ पे आए हम, ये देखें इसके गार्डर डाले हुए हैं और पुरानी जो पराली की छतें हैं वो डाली हुई हैं इन्होंने। आगे चलते हैं दूसरे कमरे के अंदर।
यहाँ पे इन्होंने स्प्रे करने का सामान रखा हुआ है जो फसलों पे स्प्रे करते हैं, और इस साइड पे वही जो मैंने आपको बाहर दिखाया था खग्गा जिसको कहते हैं, ये पालक को बांधने के लिए रखा गया है। और इस साइड से हम बाहर को निकल सकते हैं, ये बाहर का व्यू है यहाँ से, इसको कहते हैं जी रंगला पलंग। ये देखें ज़रा कितनी खूबसूरत इन्होंने चारपाई की बनाई की हुई है जो कि इन्होंने अंदर रखी हुई है। इसको कहते हैं जी कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी एक्स इंग्लिश में कहते हैं इसको, एक्स ए एक्स ई एक्स। ये कोई दरख्त वरख्त काटने के लिए इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। वो सरसों आप ही कलारी ना वो किधर ज़्यादा किलर की जी। ट्रॉली आ चुकी है यहाँ पे और बंद गोभी और चुकंदर को तोड़ा जा रहा है और उसकी गांठें बनाई जा रही हैं जो कि आपको मैं दिखाता हूँ, और इसमें लोड करके इसको मंडी में भेज दिया जाएगा। गोभी की गांठ बना के रख दी गई है, एक ये पड़ी है, एक वो पड़ी है, एक वो पड़ी है, और ये नई बनाने लगे हैं जी। हाँ जी ये पूरी पूरी बंद गोभी के ये जो फूल हैं उनको यहाँ पे बांधा जाएगा और इसी तरीके से इसको मंडी में भेज दिया जाएगा। चुकंदर भी मुझे लगे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत का काम है जो कोई आसान काम नहीं है। पहले इसको बनाना, इसको बड़ा करना, फिर उसको बांधना, फिर उसको मंडी में भेजना, और वहाँ जा कर इसकी बोली लगती है, और बोली किसी भी कीमत की लग सकती है जी। पहले गोभी को चेक करते हैं कि गोभी सही बनी है कि नहीं, फिर उसके बाद इसको काटते हैं जी। ये भी एक टेक्निक है, गोभी के फूल को हाथ लगाते हैं ऊपर, उसको चेक करते हैं कि आया ये काटने के काबिल है भी है कि नहीं है। चुकंदर ये ज़रा चेक करें, ये पालक की कटाई हो रही है और ये बड़ा मेहनत का काम है जी कि एक एक पौधे को काटना और फिर उसको इकट्ठा करके उसको बांधना, फिर उसको ट्रक पे लोड करना है, ट्राली पे लोड करना है, और फिर इसको मंडी में लेके जाना है। और मंडी में इनकी मेहनत के इनको इतने पैसे नहीं मिलते हैं जो मैंने नोट किया है, जितनी ये लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनके ये पैसे भी पूरे नहीं होते होंगे। अब बारी आती है इसकी बनाई की, इसको जैसे बांधते हैं ये लोग। ये इन्होंने लगाया इसके ऊपर एक सेबा सा, इसको घुमाया और ये पैक हो गया, ये इकट्ठा हो गया तैयार। ज़रा ये चारपाई जो हमारे लिए बिछाई गई है, और क्या खूबसूरत इसकी चारपाई की बनाई है। चारपाई हम लेट गए हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, बड़े सुकून है यहाँ पे। चाय हमारे लिए ये लेके आए हैं, ये चाय हम पियेंगे। कोई थोड़ा दूध की चाय बनी हुई है जो हम पीने लगे हैं, प्योर प्योर दूध की। गैस वैस तो यहाँ पे है नहीं, लकड़ी पे इस चाय को बनाया गया है और बड़ी मज़े की चाय बनाई हुई है इसने। इनको किया जा रहा है लेवल, सुहागा फेरा जा रहा है इसके ऊपर से। वो सामने से आपको ट्रैक्टर आता नज़र आ रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी खूबसूरती से ये लेवल करता है। आप भी इन जगहों पे आया करें और इसको एंजॉय किया करें, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।